वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी गल करांगे जिहड़ी बादल ने अपॉइंट किया अपना सियासी सलाहकार, एक हिंदू अतवादी फिरका प्रस्त इंसानियत का दुश्मन कमल शर्मा, जो कि हिंदू अतवादी जथेबंदी RSS दे नाल संबंधित है। तो पिछले कई चिर तो इन्हां फिरका प्रस्त अतवादियों के नाल पूरी तौर ते नाल एक्टिव रह चुका बंदा है। तो असी ये हुण ये गल स्पष्ट हो गई है कि बादल दे दूजी आर इलेक्ट होण दे नाल कि ये पहाड़ी राजियां दी गंदी औलाद, असल विच जिहड़ा गंदा खून बादल परिवार दा है वो असल विच अपना रंग दिखा रहा है। क्योंकि इन्हां दा पछोकड़ देखिए, लोग वो ने जिन्हां ने इन्हां दे परिवारां ने इन्हां दे खानदान ने हमेशा ही पंथ विरोधी कारवाइयां कीतियां ने। सिख खालसा राज जो सी उहदे खिलाफ इन्हां दे परिवार दी उहनूं ढा लाउण च बहुत वड्डी, इन्हां दे परिवार दी ते मजीठिया इन्हां दे रिश्तेदारां दी बहुत वड्डी इन्हां ने योगदान पाया। तो हुण जिले असी देखते हैं बई इन्होंने अज ये काम किए ने, तो कला इन्होंने आ कमल शर्मा जो एक हिंदू अतवादी है जेड़ा पिछले समय तो पुराने समय विच जो कि गोविंद राम जेदा कि असी जानते ही हैं शुद्धिकरण दी जेड़ी विचारधारा सी उहदे नाल तालमेल सी, ते उहदे नाल भी इहदे तालमेल सन। ते अज असी देखिया भी इहनू सियासी सलाहकार बनाया गया है। कला यही नहीं, बादल ने शमेत सैनी नू वापस लैके आंदा है, कला वापस नहीं लैके आंदा, उन्हूं पंजाब दा DGP बनाया। ये साध संगत ये पंथ दे खिलाफ एक गिणी मिथी आने वाले समय विच साजिश का एक हिस्सा है। साध संगत जेड़ा बादल परिवार का जेड़ा गंदा खून है ये पंथ नू खत्म कर देना चाहता है। ये विच मैं एक छोटी जी उदाहरण दूंगा कि ये परिवार जो है ये सारे पासे सियासत विच ते जिन्ने भी धार्मिक संस्था ने उन्हां सारियां विच इस परिवार दियां शाखां खिल रहियां होईयां है। राधा स्वामी डेरे दा जो गुरु है वो भी बादल परिवार दे नाल बादल परिवार दा रिश्तेदार है। हालांकि गुरमीत राम रहीम जो है वो भी बादल परिवार ना अगे तो अगे रिश्तेदार है, मजीठिया परिवार ना रिश्तेदारी है। ते सानू ये गल्लां समझण दी लोड़ है। हरेक जिहड़ा भी देखो डेरेवाद दे विच देवधारी जिन्हें भी गुरु ने उन्होंने इन्होंने इन्हों के परिवारों ने लिया है। तो आ जड़े हूँ नवियाँ इन्होंने हूँ एक सियासी कमल शर्मा लैके आता, समेत सैनी लैके आता, आने वाले समय में जी पंथ को खत्म करने की जी हिंदू अतवाद की जमांदरू तो गुरु नानक पातशाह के समय तो गुरु नानक विचारधारा खत्म करने की जो असल साजिश है उन्हों अगां का रूप देने दे लई ये आने वाली साजिश का एक हिस्सा है। सतसंगत समेत सैनी का DGP बनना पंथ लई एक बहुत बड़ा खतरा है। तो होर भी जिन्ने घटिया तो घटिया पुलिस ऑफिसर ने वो भी सारे जिन्ने नरकधारी हो गए, नामधारी राधा स्वामी है, जिन्नी भी पुलिस का टॉप ऑफिसर है गया वो सारे इना गरके हुए लोगों चो ने। ये ऐसे सानू
SSP लगे हुए ने, IG लगे हुए ने, जिन्हां दियां घर वालियां डेरे विच रहिंदियां ने, जिन्हां दियां कुड़ियां डेरे विच रहिंदियां ने, साधां दे नाल उह साधां दे ही गांह तों गांह उह न्याणे ने। ते सानूं इह समझण दी लोड़ है बई इह साजिश चल की रही है। इह पंथ नूं खत्म करन दे लई जिहड़ी इह साजिश है, इह उहदा इक हिस्सा है, सानूं इहनूं समझण दी लोड़ है। सतसंगत, हिंदू अतवाद जो है हुण अपनी फाइनल स्टेजां उत्ते पहुँच चुका है, ते पंथ नूं जे असीं इहदे नाल नहीं लड़ांगे ते सानूं उस खित्ते विच्चों खत्म करन दा पूरी तरह जोर लाउणगे। ते सानूं समझणा चाहीदा है क्योंकि इकल्ला पंजाब दे अंदर ही हिंदू अतवाद ने अपना जो शाखा वो खिलार नहीं लिया इस समय। हुण जिहड़ा पूरा सियासी ढांचा है कई पक्षों, देखो बीजेपी ने सब तो फिरका प्रस्त अतवादी जिहड़ा इंसान है उस खिते दे अंदर नरेंद्र मोदी, उहनूं प्राइम मिनिस्टर दे लई उहनां दा कैंडीडेट बना दिता है। ते जिहड़ी हिंदू जिन्हें भी अतवादी ने उत्थे फिरका प्रस्त लोग ने, ते जिहड़े लोकी अतवादी इन्हां दी फंडिंग करदे ने, जिवें कि टाटा खानदान है, जिवें कि मित्तल खानदान है, वह भी हुण मोदी दी सपोर्ट विच आ चुके ने। सानूं इह समझ लैणा चाहीदा है मोदी दा प्राइम मिनिस्टर बनना, इन्हां लोकां दा उत्थे आले दुआले आउणा, ये एक हिंदू राष्ट्र जो कि स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है इन्हां लोकां ने, उहदा एक जिवें कि हिटलर, सतसंगत हिटलर कंप्लीट पावर च जिले आया उन्हें उदों गैस चेंबर बनाए। असी गैस चेंबरां तों कुछ कु साल ही पिछे हाँ। मैं ये गल सारे नूं समझाउणा चाहुंदा क्योंकि जे सारे बंदे कंप्लीट टोटल पावर विच आ गए ते फिर सिखां नाल ओह होया ओह होगा जो पहलां कदी नहीं होया। इन्हां ने 84 विच ते सानूं ओह करके दिखाता जो मुगलां ने नहीं कीता सी, ते हुण अगां वाले समें च इदों भी अगां स्टैप लैण लई ये लोग तैयार ने। सानू साध संगत सब सारे पंथ नूं जगाउणा पएगा, सानू पूरे अपने आप तैयार होना चाहीदा हर पक्षों। ते हुण गांह तों गांह समां आई जांदा है कि पंथ नूं अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहीदी है। जो पंथ दियां पुरातन मिसलां सन उहनां नूं सुरजीवित करके अपने अपने एरिए विच अपनी अपनी जिम्मेवारी सांभण दा समें आ रहा है, ते सानूं आप लैनी चाहीदी है। सानूं किसे कोलों लीडरशिप दी आस नहीं रखनी चाहीदी। मैं बेनती करां उत्थे हर पक्षों, उत्थे दा माहौल ही इस तर्हां बन चुका है पंजाब दे अंदर, जिहड़ा सारा धार्मिक ढांचा है उह ते इन्हां लोकां दे अधीन है। संत समाज, जे संत समाज नूं न्याणियां दे नाल शरीरिक संबंध बनाउण तों सिवाए होर कोई कम्म ही नहीं, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੈਪਟਨ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਤੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਮਣੀਆਂ
साध संगत जिहड़ियां बॉलीवुड विच जो कंजरियां वांगू प्रोस्टीट्यूटां वांगू नचदियां ना देखिए, इन्हां दे मगर इन्हां दी अतवादी फिरका प्रस्त सोच देखिए। साध संगत सानू अज जागण दी लोड़ है, सानू समझण दी लोड़ है, क्योंकि ये जो ड्रामा इन्हां दे टीवी आज तक कल तक परसों तक नरसों तक कर रहे ने, एक गिणी मिथी साजिश है, सारी पंथ विरोधी साजिश है। जिन्नियां भी इत्थे आदा ना कि अध नगन साड़ा लाई फिर दियां हिंदू अतवादी बामणियां ने, ये कोई उदा ना कि उत्थे नाच गाण नूं नहीं आ रही, वो सिर्फ ते सिर्फ तुहानूं भुलेखा पा के तुहानूं बेवकूफ बनाउण नहीं आ रही ने। तुहानूं जागण की लोड़ है, सच नाल जुड़न की लोड़ है। आप भी जागीए, सारियां नूं भी जगाइए, ता कि असीं रल मिल के इन्हां अतवादी लोकां नाल लड़ सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।